गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई विल बी इंग्लिश टीचर. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ए न्यू ग्रुप ऑफ थर्ड क्लास. वी हैव लर्न्ड अवर चैप्टर फॉर ए प्रीवियस वीडियो लेक्चर बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. नेम ऑफ द लेसन इज हाउ क्लेवर दिस स्पेंड यू हैव रीड इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ क्लेवर 0.126 इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. This is a very interesting story. You will get cleverness of Tenali Rama in this chapter. So, and in this chapter, the king is a fair king. The Raja was very fair. Okay, so. I will tell about next point saving. So open your course book 44 and I will read. As you know about the point 126. After that, the jealous courtiers was shocked. The jealous courtiers ke unko bahut shock laga, jhatka laga. Okay, shock. बट अदर वर एम्यूज्ड. लेकिन दूसरे जो बहुत ज्यादा पसंद थे वो एम्यूज्ड स्पेशली तेनाली रामा. यानी जो जेलस यानी ईर्ष्यालु जो दरबारी थे उनको तो शौक लगा. बट अदर वर एम्यूज्ड स्पेशली तेनाली रामा. लेकिन जो दूसरे थे जैसे तेनाली रामा वो बहुत ज्यादा खुश हुए. तो ये स्टूडेंट किस लिए खुश हुए? क्योंकि उनको एक राजा के जो दरबारी थे वो बहुत ज्यादा तेनाली राम से चिढ़ते थे कि यही ज्यादा क्लेवर है क्या, इसमें ज्यादा क्लेवर नहीं सही क्या, हम नहीं है ऐसा. तो राजा ने जो फेयर किंग थे उन्होंने सोचा कि चलो एक आज वो कंपटीशन रख देते हैं राइट, और अपनी अपनी क्लेवरनेस प्रूव करने का चांस दिया जाता है. तो इस प्रकार से वो राजा एक कंपटीशन रखते हैं और उसमें सभी लोग सभी जो कर्टियर्स होते हैं सभी को अपना अपना जो क्लेवरनेस है वो प्रूव करने के लिए कुछ वो क्वेश्चन रखते हैं राइट. सो यू विल फाइंड आफ्टर दैट तो देन आफ्टर दैट जेलस कर्टियर्स वर शॉक्ड बट अदर वर अम्यूज्ड स्पेशली तेनाली रामा. कुछ लोग जो दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी थे उनको शौक हुआ बट जैसे तेनाली रामा थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए. उसके आफ्टर दैट यू कैन सी दिस पिक्चर. देर आर डिफरेंट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू ईच पर्सन बट वही अस. लेकिन हम क्यों? वो कह रहा है, ये कह रहा है कि अरे बट हम क्यों, बट वाई अस, लेकिन हम क्यों? आई कान, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता. वो क्या नहीं कर सकता था कि एक इंसेंस जो इंसेंस की स्टिक जलती थी और उसको वन आर में स्टिक्स को जो स्मोक है जलती इंसेंस स्टिक से उसका स्मोक 3 फीट एक बम्बू में क्या करना है उसको कलेक्ट करके लाना है. इट मीन्स यू कैन सी पॉइंट सिक्स दैट किंग थॉट पोरी वाइन एंड डिसाइडेड टू गिव हिज कटियर ए चांस टू प्रूव हिज क्लेवरनेस. कैन यू समवन गेट मी आर्ट ऑफ स्मोक फ्रॉम दोस बर्निंग इंसेंस स्टिक. यानी जलती हुई अगरबत्ती से जो धुआं है वो 3 फीट लेकर आनी है, अब वो कैसे लाएंगे? तो उसके आफ्टर दैट क्या होता है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट वाला जो जेलस कर्टियर, वो क्या कहता है? बट
वाइस, लेकिन हम क्यों, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। अरे हम क्यों, मैं तो नहीं कर सकता। वॉट नॉन सेंस, क्या बकवास है। That's silly, बहुत ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि कोई क्या 3 फीट दुआ कैसे इकट्ठी कर सकता है, जल्दी में गर्भवती से कैसे ला सकता है। तो ये सब डिस्कस करें, यार्ड ऑफ स्मोक इम्पॉसिबल आओ, यानी यार्ड में धुआं लाना ये तो असंभव बात है। तो अपने अपने स्टेटमेंट दैट दैट शुड बी फन, अरे अब तो मजा आएगा। जो तेनालीरामा ये बहुत एम्यूज हो गए, खुश हो गए, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि 3 फीट तो हम कैसे लाएंगे, स्मोक है जलती हुई अगरबत्ती से 1 यार्ड में कैसे लेकर आएंगे, 3 फीट कैसे लेकर आएंगे हम 3 फीट लॉन्ग। तो इस प्रकार से देखिए, आफ्टर दैट द किंग न्यू दैट द्रौपदी शारण हैंडलेड तेनाली द मोस्ट, द किंग न्यू, राजा जानता था कि दैट द्रौपदी शारण है वो घृणा करता है, तेनालीरामा से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। सो ही पॉइंटेड एट हिम एंड सेड, और उसकी ओर इशारा किया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन दिस सीन कि राजा वो क्या पॉइंटेड कर रहा है, किसकी ओर पॉइंटेड कर रहा है, सारण, जो द्रौपदी शारण है उसकी तरफ। तो देखिए राजा क्या कहते हैं, मिनिस्टर द्रौपदी विल बी लीड द वे, प्लीज गेट मी यार्ड ऑफ स्मोक फ्रॉम दोज बर्निंग इंसेंस स्टिक। मिनिस्टर द्रौपदी विल बी लीड द वे, उन्होंने एक तरीका बताया, प्लीज गेट मी यार्ड ऑफ स्मोक फ्रॉम, उसने द्रौपदी को कहा कि कोई तरीका निकालो, कोई रास्ता निकालो और जाओ, प्लीज गेट मी यार्ड ऑफ स्मोक फ्रॉम दोज बर्निंग इंसेंस, जल्दी अगरबत्ती से 3 फीट लॉन्ग स्मोक लेकर आओ। मैं योर हाइनेस महाराज, मैं कैसे कर सकता हूं। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि क्या करें, उसके लिए तो बहुत ज्यादा समस्या हुई क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव था इसके लिए, फॉर दिस इज इम्पॉसिबल फॉर द्रौपदी सर। सो आफ्टर दैट द्रौपदी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, द्रौपदी जानता था कि मैं क्या करूं, आफ्टर ऑल इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट ए यार्ड ऑफ स्मोक, अब उसके लिए संभव नहीं था, इट इज नॉट पॉसिबल गेट ए यार्ड ऑफ स्मोक की 1 यार्ड स्मोक को लेकर आए, अब उसके लिए असंभव था। ऑल दिस वाइल तेनालीरामा सैट देयर स्माइलिंग, और ये सब है वहां बैठा बैठा तेनालीरामा देखा और स्माइलिंग कर रहा था, मुस्कुरा रहा था वहां बैठे बैठे, ये सब ऐसा दृश्य देख रहे, मुस्कुरा रहा था, लिसनिंग एंड वॉचिंग, देख रहा था और सुन रहा था और मनी मन मुस्कुरा रहा था। जैसा मैंने कहा, यू शुड लीड द वे, एनी प्रॉब्लम, अरे जैसा मैंने कहा आपको ये करना चाहिए, काम करना चाहिए, लीड टू वे, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसा मैंने कहा वैसा करो। एनी प्रॉब्लम, क्या कोई आपकी समस्या है, किसने कहा, राजा ने कहा, है किंग ने कहा, नो सर, नहीं 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 सर, यू कैन सी देर आर 2 questions, सो यू विल राइट आंसर दीज questions, हाउ डिड द कर्टियर्स रिएक्ट टू द किंग्स रिक्वेस्ट, ओके, यानी उसका कैसा रिएक्ट था, कैसी क्रिया थी, तो आपको यहां पर उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। हाउ डिड द कर्टियर्स रिएक्ट टू द किंग्स, राजा की जो रिक्वेस्ट का क्या उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया, तो अपने अपने स्टेटमेंट राइट करो। व्हाट डिड तेनालीरामा डू व्हेन ही हर्ड अबाउट द कंपटीशन, तेनालीरामा ने क्या किया जब उसने कंपटीशन के बारे में सुना, तो उसने क्या किया, अपने अपने कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, तो उसके बारे में फर्स्ट वाले को उसने बता देना है किंग्स की जो रिक्वेस्ट है उसके जो दरबारी ने कैसे रिएक्ट किया था। After that, द्रौपदी walked up to the incense stick and looked at them. द्रौपदी उसके बाद में गया, walked up गया incense sticks and looked at them and thought up to himself. द्रौपदी जैसे राजा ने आदेश दिया तो द्रौपदी सारे वो चले जाते हैं जो स्टिक है incense stick के पास में जाते हैं और वहां जाकर लुक दे उसको देखते हैं और कुछ वहां जाकर सोचता है। So you can see in this pictures कि इन दिस पिक्चर ए किंग
तेनाली रामा एंड दुर्बुद्धिसार। तेनाली रामा सैट विद हिज आई सैट, और तेनाली रामा बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, राइट, जो यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आफ्टर दैट दुर्बुद्धि वाज एनेबल टू फाइंड ए वे ऑफ ब्रिंगिंग ए आर्ट ऑफ स्किंग। दुर्बुद्धि था, वो एनेबल था, लाने में असमर्थ था, फाइंड ए वे ब्रिंग टू यार्ड ऑफ स्मोक। एक गज धुआ को, एक गज जो स्मोक है उसको लाने में वो असमर्थ था, यानी 3 फीट लॉन्ग स्मोक लेकर आने में वो वह कौन दुर्बुद्धि सारण था, वो एनेबल था, असमर्थ था। वही द किंग लुक्ड एंड अम्यूज्ड। फिर राजा ने क्या देखा, बहुत ही अम्यूज देखा, खुशी से देखा कि सम कटियर्स वर शॉक्ड कि, फिर राजा ने देखा कि जो दरबारी थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, उनको बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, राइट, उन सबको। आफ्टर दैट यानी वो ये सब ऐसा करने में एनेबल थे। सिंस दुर्बुद्धि एनेबल टू डू द वर्क, आप देख रहे हैं कि दुर्बुद्धि है वो काम करने, ये कार्य करने में असमर्थ है, ऐसा नहीं कर सकता। द किंग ओपन द कंपटीशन फॉर ऑल एक्सेप्ट तेनाली रामा, और ये जो कंपटीशन था तेनाली रामा के सिवाय सभी के लिए कंपटीशन था, प्रतियोगिता रखी गई थी, इसमें तेनाली रामा भाग नहीं लेंगे, बाकी सभी भाग लेंगे। ओके, सिंह द्रुपदी एंड अदर मिनिस्टर एबल टू डू द वर्क, आप देख रहे हैं कि द्रुपदी और दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो कार्य करने में असमर्थ है। द किंग ओपन द कंपटीशन फॉर तेनाली रामा, फिर राजा ने तेनाली रामा को भी इस कंपटीशन में अपनी जो क्लेवरनेस है वो प्रूव करने का चांस दे दिया। तेनाली रामा के लिए भी राजा ने ओपन कर दिया कंपटीशन। व्हाट, क्या नो वन कुड डू दिस, राजा ने कहा क्या कोई भी नहीं कर सकता। तेनाली रामा, व्हाई डोंट यू ट्राई, तेनाली रामा आप क्यों नहीं ट्राई करते, तेनाली रामा चलो आप क्यों नहीं करते, चलो आप करो, ट्राई करो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो इसको। विथ प्लीजर, वो बहुत ही खुशी के साथ में, योर हाइनेस महाराज, वेट फॉर ए मिनट, आई विल टेल एट पेज नंबर 46.14, हैप्पी टू गेट ए चांस, और मैं खुश हो गया जैसे उसको चांस मिला, मौका मिला, प्रसन्न हो गया। तेनाली रामा कॉल्ड हिज अटेंडेंट एंड सेड समथिंग इन ईयर, और उसके बाद में तेनाली रामा अपने अटेंडेंट के पास में जाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। द अटेंडेंट कम बैक विद ए यार्ड लॉन्ग बंबू, और जो उसका अटेंडेंट साहब था, साथी था, द अटेंडेंट कम बैक, और अटेंडेंट वापस जाता है विद ए यार्ड लॉन्ग बंबू, और एक बंबू लेकर आता है, बांस का टुकड़ा, ए पीस ऑफ जूट स्ट्रिंग एंड ए बनाना लीफ एंड गैप देम एट तेनाली रामा, और उसके बाद में पीस ऑफ जूट स्ट्रिंग एंड ए बनाना लीफ, और उसके बाद में बनाना लीफ से उसको क्या कर देता है, अच्छा बंबू, ए पीस ऑफ जूट स्ट्रिंग एंड ए बनाना लीफ एंड गैप देम टू तेनाली रामा, और वो दे देता है, जैसे कि जूट का स्ट्रिंग एंड ए बनाना लीफ, ये तेनाली रामा को दे देते हैं।